जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। साथियों, सीसीएस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट इस समय बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं, बहुत सारे उनके क्वेश्चंस हैं और वो है भी जेन्युइन क्वेश्चंस। तो साथियों, जो हमारे सेकंड ईयर और फाइनल ईयर के एग्जाम होने थे तो उसमें एक बार फिर से बहुत बड़ा परिवर्तन किया गया है उनकी डेट शीट को लेकर। उनके जो एग्जाम होने हैं उसमें एक कोड के पेपर होने हैं, वो और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो उन सब सारी चीजों में जो आपके क्वेश्चन हैं उनके आंसर मैं आपको इस वीडियो में करने वाला हूं। जो हमारी नई डेट शीट जारी होनी है उसके बारे में क्या अपडेट है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के करते हैं आज की वीडियो को शुरू। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहूंगा, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि सीसीएस यूनिवर्सिटी से जुड़ी कोई भी अपडेट होती है सबसे पहले मैं आप तक पहुंचाता हूं इस चैनल के माध्यम से। साथियों, जो हमारे सीसीएस यूनिवर्सिटी के एग्जाम होने हैं सेकंड ईयर और फाइनल ईयर के, उसमें एक बार फिर से बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। उसमें जो परिवर्तन हुआ है उसमें यह हुआ है कि उसमें आपके जैसे सब्जेक्ट होता है, एक आपका कोई भी कोर्स है बीए बीएससी बीकॉम, तो उसमें से आपको एक सब्जेक्ट के एक ही कोड का पेपर देना है। अब उसका चुनाव कैसे करना है उसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, बच्चे ये भी पूछ रहे हैं कि सर, जैसे हमारा फाइनल सेमेस्टर के एग्जाम है या और बाकी सेमेस्टर के एग्जाम होंगे तो क्या उसमें भी हमें ऐसे ही चॉइस मिलेगी? तो मैं आपको क्लियर कर दूं, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, यूजी कोर्सेज के लिए है और उसमें भी आपका बीए बीएससी बीकॉम यानी कि इन कोर्सेज के लिए हैं जो हमारे कोर्सेज एनुअल कोर्सेज हैं। सिर्फ और सिर्फ किसके लिए हैं? एनुअल कोर्सेज के लिए हैं, सेमेस्टर मोड के कोर्सेज के लिए नहीं है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपका यह है कि जैसे आपका सपोज डेट कोर्स बीए बीएससी बीकॉम, उसमें से कोई भी कोर्स आप ले लीजिए, जैसे हमारा बीएससी है। अब बीएससी में आपके जैसे बीएससी में आपका पीसीएम से आप बीएससी कर रहे हैं या पीसीबी से कर रहे हैं, किसी भी एक सब्जेक्ट से आप कर रहे हैं, तो जैसे आपका पीसीएम से है तो पीसीएम में जैसे आपका केमिस्ट्री का जैसे आपके तीन कोड के पेपर होते हैं, तो केमिस्ट्री में आप कोई भी एक कोड के पेपर दे सकते हैं। क्लियर है आपको? किसी भी एक कोड के पेपर आप दे सकते हैं, उसमें से आपकी मर्जी होगी, जो भी कोड का आपको पेपर देना है उसी कोड का पेपर आप क्लासरूम में बता देंगे तो वही पेपर आपको दिया जाएगा। और जो सभी कोड के पेपर हैं वो एक ही दिन होंगे, ऐसा नहीं है कि आपके जो पेपर के कोड होंगे वो अलग अलग दिन में होंगे। तो उसमें से जैसे आपके केमिस्ट्री के तीन कोड होते हैं उसमें से किसी भी एक कोड का पेपर आप उस दिन करेंगे। दूसरा एक क्वेश्चन बच्चे का बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन ये था कि सर, हमारा जो लॉकडाउन से पहले एक पेपर हो चुका था यानी कि एक कोड का पेपर हो चुका था, तो क्या अब उस सब्जेक्ट के जो बाकी कोड हैं उसमें से आपको हमें एक सब्जेक्ट का पेपर करने को मिलेगा या अब हमें उस सब्जेक्ट के कोड का पेपर नहीं मिलेगा? तो साथियों, इसमें जो है आपका अब आपको उस कोड का पेपर नहीं मिलेगा, आपको उस एग्जाम हो चुका है साथियों, अब आपको वो दोबारा से नहीं देना है। हो सकता है और जो चीजें क्लियर हैं वो आपका जब डेट शीट जारी की जाएगी तो तब क्लियर होंगी। दूसरा बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर, हमें नया एडमिट कार्ड डाउनलोड करना पड़ेगा या उसी एडमिट कार्ड से चीजें हो जाएंगी? तो साथियों, यदि आपका सेंटर चेंज हो रहा है तो आपको जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड करना पड़ेगा। यदि आपका सेंटर वही है तो आप पुराने वाले एडमिट कार्ड से भी एग्जाम दे सकते हैं। अब यहां पर कि डेट शीट कब तक जारी होगी और कब से हमारे एग्जाम हैं, तो साथियों, जो आपके एग्जाम हैं वो 8 जुलाई से हैं, यूनिवर्सिटी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है, 8 जुलाई से आपके एग्जाम हैं। डेट शीट जो है आज जारी होनी थी लेकिन किसी कारणवश नहीं हो सकी है, तो आपकी जो डेट शीट है मंडे में आपकी जारी कर दी जाएगी, यानी कि जो आपकी डेट शीट है वो मंडे में जारी कर दी जाएगी। और साथ के साथ जो बीएड वाले बच्चे हैं, बीएड वाले बच्चों का क्वेश्चन आ रहा था कि सर, बीएड के जो एग्जाम है, बीएड के एग्जाम पहले सितंबर में थे लेकिन अब जो बीएड टू ईयर में फाइनल ईयर के जो एग्जाम है वो एग्जाम भी आपके जुलाई में ही कराए जाने हैं और हो सकता है वो 8 जुलाई से ही एग्जाम स्टार्ट करा दिए जाएं। अब बच्चे बड़े परेशान हैं क्योंकि पहले उनको समय मिल रहा था, 2 से 2.5 महीने का समय मिल रहा था, लेकिन अब 15 दिन का भी समय नहीं है, यानी कि जो उनके एग्जाम है वो आपके 8 जुलाई से हो सकते हैं। तो बीएड सेकंड ईयर की भी जो डेट शीट है बहुत जल्द जारी की जा सकती है, सभी कोर्सेज की जो डेट शीट है वो आपकी मंडे तक जारी कर दी जाएगी। इससे आगे मेडिकल वाले बच्चों का क्वेश्चन है कि सर, जो हमारे बीएससी नर्सिंग के जो पेपर कैंसिल कर दिए गए थे, उनको जो कहा गया था जो उनके एग्जाम है वो आपके अगस्त में या सितंबर में कराए जाएंगे, तो क्या उनके एग्जाम भी अब जुलाई में कराए जा सकते हैं? हाँ, हो सकता है कि उनके एग्जाम भी अब जुलाई में ही कराए जाएं, लेकिन अभी इस पर फाइनल डिसीजन नहीं है, हो सकता है वो हो और हो सकता है वो नहीं हो। तो वो 50% चांस है, वो आपका जो क्लियर है वो मंडे तक क्लियर हो जाएगा, चांसेस यही है कि उनके भी अब एग्जाम हो सकता है आपके जुलाई में ही कराए जाएं। तो वो बच्चे भी अपनी तैयारी में लगे रहें। जो बच्चे आपके बीएससी नर्सिंग के हैं, जो मेडिकल वाले बच्चे हैं, जो मेडिकल के और कोर्स हैं जिनको एग्जाम को कैंसिल किया गया था, तो हो सकता है अब वो जो एग्जाम है बहुत जल्द कराए जाएं। तो साथियों,
ऑलमोस्ट जितने भी आपके क्वेश्चन क्वेरी थे उनके मैंने आपको आंसर कर दिए हैं। यदि अभी भी आपको कोई डाउट या क्वेश्चन रह गया है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जितने जल्द से जल्द होगा उसका आंसर या उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो साथियों आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए साथियों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।